विकास समय भारत 24x7 में मैं हूँ आप सभी के साथ मानसी झा। समय भारत का खास कार्यक्रम सत्ता का संग्राम और आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद है गाजियाबाद के वार्ड नंबर 1 के पार्षद प्रत्याशी बालाजी। चलिए इनसे बात करते हैं। तो मैम सबसे पहले आपका स्वागत है। तो मैम ये बताइए आपने राजनीति की शुरुआत कब से की? 2012 से। तो मैम जीतने के बाद आगे क्या करने वाले हैं? जो भी समस्याएं हैं उनको निवारण करूंगी, जो भी चीजें से लाइट है, सीवर लाइन है और क्या नाम है वो नाली है, पानी की समस्या है, करने वाले करूंगी। ओके थैंक यू। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो बादल जी ये बताइए आपकी बाइक जो पार्षद प्रत्याशी के लिए खड़ी हुई है वार्ड नंबर 1 से, तो उनके बारे में बताइए किस तरह के काम करेंगे जीतने के बाद? पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा हमारी वाइफ 2012 से लेकर 17 तक पार्षद रही है वार्ड नंबर 3 से, वर्तमान वार्ड नंबर 1 हो गया नगर निगम का। और जब हम पार्षद रहे अपने अपने क्षेत्र में नाले, सीवर लाइन, पानी की लाइन, रोड, पार्क, लाइट, अनेकों विकास कार्य कर रहे हैं। अब की बार जनता ने एक बार फिर से मौका दिया है हमें पार्षद के रूप में खड़े होने का और अपना आशीर्वाद देने का। और हमारे क्षेत्र में वार्ड नंबर 1 में बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो अभी तक शुरू भी नहीं कराए गए, जैसे सीवर लाइन चालू नहीं कराई गई है, पानी की लाइन सही से चालू नहीं है और नालों का तो बहुत ही बुरा हाल है। उसको लेकर हमें काम करना है, आगे अपने क्षेत्र का विकास करना है, RCC रोडें बनवानी है, LED लाइट लगवानी है, पार्क का विकास कार्य कराना है और उसके साथ साथ अनेकों जैसे सफाई व्यवस्था और डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन की गाड़ियाँ आनी, ये सब पे हम काम करेंगे और अपने क्षेत्र में अच्छे से विकास कार्य कराएंगे। धन्यवाद।